चिंकी कहाँ चली गई है? मैं कब से वेट कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आपको फर्स्ट टाइम देखा है, आपको किससे मिलना है? अली जान से। अरे इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ, तुम टिकटॉकर हो? जी जी, वैसे आपसे लोग इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं अपने काम बड़े उसूल से करता हूँ। मैं आपके काम को बहुत लाइक करती हूँ। क्योंकि मैं काम बड़े उसूल से करता हूँ, बहुत सीरियस होकर करता हूँ, और जिस काम के पीछे लग जाऊं वो काम पूरा करके छोड़ दूं। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो कोई अच्छा काम करे, और मेरी लाइफ देखकर लोग खुश होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। हमने अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत की है, नाम बनाने के लिए बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है, सख्त मेहनत की है, ताकि हम लोगों की खिदमत करें, और जब लोगों की हम खिदमत करते हैं, उनके काम आते हैं, तो हमारा नाम खुद बहुत रोशन होता है। हमारा नाम रोशन होता है, हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। तुम्हें भी कुछ करना है तो मुल्क की खिदमत के लिए करो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत से काम करो। जी बिल्कुल जी। वो क्या किसी ने कहा है कि मेहनत में अजमत है, इससे अपना भी नाम रोशन होगा और मुल्क का। तुम भी हमारे लिए काम करो, अब अच्छा काम देंगे तुमको, तुम्हें खुशी होगी। अब आप जब भाई जान के पास आ गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिक्र करने की। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। खूब काम करो, मेहनत करो, फिर देखो टेंशन तुमसे बहुत दूर भागेगा, और जो नहीं करते वो टेंशन में रहते। काम करने से सब कुछ होता है। और आपको पता है बड़े बड़े डॉन भाईजान के नीचे काम करते हैं, वो भी कप कपा के। अपना तो एक ही उसूल है, काम करो बस काम। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत की है, काम किया है, जब ही तो उनका नाम रोशन है। आपकी तो क्या ही बात है। हमारी बात छोड़ें, लोगों को अपनी बात बताएं, बताएं उनको अपना काम बताएं, फिर देखो लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। लेकिन तुम छोटी हो, काम बड़े करना चाहती हो। सच्ची बात है, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। ये छोटे बड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम और सोच बड़ी होनी चाहिए, उसी से तो काम बड़े होते हैं। क्यों? Done. ये तो माशाल्लाह गुड़िया है, जबरदस्त। लेकिन तुम भी कोई काम करो और थैंक यू बॉस। हंसती रहती हो, थैंक यू। तुम्हारी हंसी दम है ना, कितना काम में भी दम होना चाहिए। ओके बॉस, नो टेंशन। काम बहुत जबरदस्त चीज होती है, हंसो नहीं फजूल में, काम करो काम, काम में ही अजमत होती है। अरे वेलकम मूसा, तेरे को बुलाने का मकसद ये है, तू इस बात को अच्छी तरह जानता है कि डाडा डाडा है, लेकिन फिर भी भाईजान ने हमको और कालू को गले लगा दिया है, कंप्रोमाइज करा दिया है, और अभी हम कालू के साथ मिल गया हूं, और हम ये चाहता हूं कि हम कालू और मूसा एक हो जाओ। क्या कुछ नहीं कर सकते जवान? वे डाटा भाई, वे बात हमारी समझ में आ गई है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? देख, तेरे कान में एक बात डालना चाहता हूं कि देख मूसा, तेरे को कालिया पे नजर रखना है, और तुम सोचो कालू हमारे साथ शामिल हो गया है तो हमको इस काम को पक्का करना है। पूरा इलाका मूसा का है। फिर तो डन समझो, डन। ठीक है मूसा,
अपना ख्याल रखना। चलते हैं। दो बड़ी मछलियों का झगड़ा। मूसा पागल हो गया जवान। मूसा और कालू आपस में पटे, ये दोनों खत्म। डाडा बचेगा जवान, डाडा बचेगा। अरे डाडा शर्म करो, शर्म गैरत करो। बैठो उधर, बैठो बैठो उधर। मैंने तुमको कालिया से सिर्फ इसलिए बुलवाया है कि तुम दोनों मिलकर अच्छा काम करो, लोगों के काम आओ, काम आओ। छोड़ो ये गलत बातें, धंधे बातें, उल्टे सीधे धंधों से तुम बाज नहीं आओगे। भत्ता खोरी छोड़ो और अच्छे काम करो। अच्छे अभी भी मारा मारी में लगा हुआ है या? भाईजान जब से आपने कालिया से मिलाया सब तरीके से चल रहा है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया हूं जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। अच्छा काम करोगे तो अच्छा है, वरना अली जान कल्टी कर देगा। मेरा नाम अली जान पाकिस्तानी है। मेरे नाम से करप्शन करने वाले घबराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। वो जहां मैं पहुंच जाता हूं ना, तो मेरे कदम वहां से करप्शन को लात मार देते हैं और वो लोग सीधे हो जाते हैं, वरना मैं उनकी खोपड़ी में सुराख कर देता हूं। मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बनाना है और इन लोगों से साफ करना है जो लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, मेरी आवाम को तंग कर रहे हैं, उनसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए कुछ करते नहीं है बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो लोग कमाते हैं और लूट कर ले जाते हैं। वो बेचारे रोते रहते हैं, जब मेरे पास पहुंचते हैं ना तो फिर मैं एक एक को नंगा कर देता हूँ। अब तुम जाओ और कालिया को भेजो मेरे पास। जाओ, शाबाश। ठीक है भाईजान, मैं कालू को भेजता हूँ। मोबाइल भी क्या चीज बनाई, दुनिया के किसी भी कोने में वो सब सामने आ जाता है। जिससे चाहो बात कर लो, जैसी चाहो बात कर लो। आओ आओ कालिया, आओ कालिया। आ गया, बैठो बैठो भाई। जैसा आप बोलेंगे वैसा काम चलेगा ना? मैंने तेरे को 3 जिले काम करने के लिए दिए, तो तुम काम करो, अच्छा काम करो। तुम बहुत स्लो काम कर रहा, मैं सब देख रहा हूँ। समझ आ रही, मुझे पता चलता रहता है। यार काम को तेज करो, काम को बढ़ाओ, तुम्हारी भी तो इज्जत है। काम करोगे तो अच्छी बात है ना यार। या ऐसे लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, फिर मैं मनाता रहूंगा तुम दोनों को। नहीं होता यार ऐसे, काम करो बस। बस मेरे कहने पर अमल करो, काम करते रहो, लड़ो झगड़ो नहीं। अब तुम जाओ, शाबाश। ओके ठीक, ओके जाओ, शाबाश, काम होना चाहिए। हाँ सर, हाँ हाँ, आपका हाथ अगर हमारे सर पर रहा तो हम तो दुनिया फतह कर लेंगे। घबराए मत सर, मैं आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। कौन हो तुम? मैं सनी हूँ। एक बार पहले भी आपसे काम के लिए बात हुई थी ना बाबू भाई। मेरे को कुछ बनने का है, जैसे सिकंदर का नाम है ना, मैं अपना नाम भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है बैठो। सिकंदर को जानते हैं ना? जानते हो ना? क्या चाहते हो? उसने मेरे को एक प्लांटी दी है, वो कहते मैं अपनी साली का रिश्ता तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। सनी एक बात याद रखो, हमारी गैंग में आने का रास्ता है
जाने का नहीं, और हाँ गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, मौत। उसकी टेंशन आप नहीं लें, मैं आपका वफादार रहूंगा। कभी गद्दारी करने का सोचा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और गद्दारी यहाँ कोई पसंद नहीं करता। कुछ बनना चाहते हो? नहीं भाई। क्या बोलते हो तुम तो? रख लेते हैं काम पैसे बस। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजा कैसे हो बेटो? कैसे आना हुआ? दादा ने तुम्हारे पास भेजा। याद रखो ये काम जितना आसान लग रहा है नहीं। देखो हम मिलकर काम करेंगे, कामयाबी होगी हमारी। कोई भी काम हो नामुमकिन को मुमकिन हमने बनाया। एक बात याद रख मुसा, इस काम के आड़े में तुम्हारे सामने सिकंदर जरूर आएगा, लेकिन तुमने काम से पीछे नहीं हटना। भाई का हाथ तुम्हारे सर पर। वो तो मुझे भी पता है, आप लोगों का हाथ मेरे सर पर होगा तो कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि राइट को आप कवर करो, लेफ्ट को मैं कवर कर दो, और तेलका मचा दो अपने काम में। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे साथ। कोई फिक्र नहीं, हम तुम्हारे साथ।